दोस्तों मेरा सवाल आपसे है कि वर्ल्ड का पहला स्मार्टफोन कौन सा है। कल मैंने पूछा था कि मोबाइल फोन कौन सा है, आज का सवाल है स्मार्टफोन कौन सा है। कमेंट में जरूर बताएं, वैसे टेक न्यूज देखते रहिए, आपको पता चल जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है रजा खान, आप देख रहे हैं टेक बॉक्स। सबसे पहले बात करते हैं, जो वीडियो डाला है MIUI 14 का कुछ अपडेट आया उसके बारे में बताया हूँ, और दूसरा जो है बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 15,000 जो 5G फोन है बताया हूँ, जाके देख लीजिए। बात करते हैं पोल की। हमने आपसे पूछा था कि आपका जो व्हीकल है वो कितना ओल्ड है। सबसे ज्यादा 35% लोगों ने कहा कि 12 साल से ऊपर हो गया है, और कुछ 32% लोग ऐसे हैं अल्ट्रा लेजेंड जो 1 से 3 साल के बीच में अपना गाड़ी को चला रहे हैं। कौन है ये लोग, मतलब यूज कर रहे हैं, नया नया कार है या फिर बाइक है, इस तरह का कुछ है। आपका व्हीकल का कितना दिन हुआ है कमेंट में जरूर। तो चलिए पहली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। तो बात करते हैं इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से। इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से दो खबर आ रही है। पहला जो है, इंडिया गवर्नमेंट ने यह कहा है जितने भी स्मार्टफोन ब्रांड है कि प्री इंस्टॉल जो ऐप आते हैं उसको अनइंस्टॉल करने का फीचर्स डालिए। दूसरा जो है, मोदी जी गए हैं नोकिया के सीईओ से मिलने 6G पे बात करने के लिए। इस तरह की कुछ न्यूज निकल के आ रही है। आपके एरिया में अभी तक 5G आया है? ये फंस गया नहीं, कमेंट में जरूर। चलिए बात करते हैं स्कैमर की। जैसे दोस्तों ऑनलाइन स्कैम होते चला जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है, वैसे ही लोग बहुत ज्यादा YouTube में आ गए हैं। ये भी वीडियो आप देख रहे हैं YouTube में, तो हमारी वीडियो के नीचे में दोस्तों आपको कुछ ऐड वगैरह दिखता होगा, और वो ऐड आपको ले जाएगा कहीं और वहां पर दिखाएगा कि जो वायरलेस हेडफोन है वो 500 रुपए में मिल रहा है, 400 रुपए में मिल रहा है। और जैसे ही आप अपना ATM नंबर वगैरह डालेंगे आपका अकाउंट खाली हो सकता है, इस तरह की कुछ अपडेट है। तो इस तरह से स्कैमर से बचिए। आजकल स्कैमर जो है यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं लोगों को लूटने के लिए। इस तरह की कुछ अपडेट आपको जो भी लगता है जरूर बताइए कमेंट। चलिए बात करते हैं आपके और हमारे, मतलब हमारा नींद और आपका नींद पे एप्पल वॉच ने एक रिपोर्ट तैयार किया है, जिसके हिसाब से ये पता चल रहा है कि साल 2023 के अभी स्टार्टिंग में लोगों का जो नींद है कम ले रहे हैं, मतलब लोग जो है कम सो रहे हैं। आई एम सॉरी बाबू, तरह की कुछ अपडेट है। आपको क्या लगता है आप कितने घंटे सोते हैं? वैसे इस पे पोल डालते हैं, पोल में पार्टिसिपेट करिए और जरूर बताइए आप कितने घंटे सोते हैं। वैसे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कोई भी सवाल कमेंट में पूछ। चलिए वक्त होता है आपके सवाल लेने का। तो आयान कुमार भाई का सवाल है कि आपका पर्सनल फोन कौन सा है। मेरा जो है पर्सनल फोन रेडमी नोट 10 प्रो है जो मैं यूज कर रहा हूँ, काफी जबरदस्त है, वीडियो भी आते रहता है इसका। आपका पर्सनल फोन कौन सा है कमेंट में जरूर। चलिए बात करते हैं OnePlus की। OnePlus की तरफ से दो खबर आ रही है। पहला जो है, OnePlus का पैड प्री रजिस्ट्रेशन के लिए जा चुका है, 10 अप्रैल को लॉन्च होगा। वही बात करते हैं OnePlus का Note C3 Lite, ये जो है लॉन्च होने वाला है 4 अप्रैल को। इस तरह ही कुछ न्यूज निकल के आ रही है, जो आएगा Snapdragon 782 प्रोसेसर के साथ। भाई आपको जो भी लगता है जरूर बताइए। चलिए बात करते हैं आप Xiaomi की। तो सबसे पहले दुखद खबर, शौकल बिहार में Xiaomi का Xiaomi 11 Lite NE 5G, ये जो फोन है बिहार के एक व्यक्ति के घर पे पड़ा हुआ था, बिस्तर पे पड़ा हुआ था, और वो ब्लास्ट हो गया, मतलब जल गया, जिसको हम दिखा नहीं सकते, बस आपको फोटो दिखा सकते हैं। वैसे देखना है तो ट्विटर में आइए, वहां पर हमने रीट्वीट किया है, और फेसबुक और इंस्टाग्राम में ही मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आइए आपको मिल जाएगा। वहीं बात करते हैं Xiaomi का Redmi Note 12S, ये जो फोन है FCC सर्टिफिकेशन में लिस्ट हो गया है, बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा। वैसे ये ब्लास्ट क्यों होता है और ये 12S आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। चलिए बात करते हैं Redmi का Note 12 सीरीज पूरा का पूरा जाने वाला है इंटरनेशनल मार्केट में 23 मार्च को। इस तरह की कुछ अपडेट निकल के आ रही है, क्या लगता है टारगेट कितना बड़ा होगा इनका कमेंट में जरूर। चलिए बात करते हैं, Redmi का एक टीवी लॉन्च होने वाला था Amazon के साथ कोलैबोरेशन में, मतलब फायर OS उसमें आएगा, तो वो लॉन्च हो चुका है। 13,999 रुपए इसकी प्राइस है, 32 इंच का टीवी और डिजाइन कुछ इस तरह का देख सकते हैं, जिसमें फायर टीवी स्टिक वगैरह का जो OS है वो मिलेगा Redmi टीवी में। इस तरह की कुछ अपडेट है, आपको जो भी लगता है जरूर बताइए कमेंट में। चलिए बात करते हैं पोको X5 की। इंडिया में लॉन्च हो चुका है, प्राइस जो आया है 18,999, लेकिन फर्स्ट सेल में लेंगे तो 16,999, 17,000 का फोन है। और प्राइस देखते ही दोस्तों मुझे ऐसा लगा कि वाकई में 5G फोन महंगा हो गया। अरे कहना क्या चाहते हो, इसमें मिलता है Snapdragon 695 का प्रोसेसर, AMOLED डिस्प्ले 6.67 इंच का, 120 हर्ट्ज के साथ 240 हर्ट्ज टच सैम्पलिंग रेट है, पंच होल के साथ आता है,
48-8-2 का रियर कैमरा, 13 का सेल्फी, 5000 mAh की बैटरी और 33 वाट का फास्ट चार्जिंग। आपको क्या लगता है, वाकई में 5G फोन महंगा हो चुका है और हमें 20,000 से ऊपर जाना चाहिए? वैसे आज का वीडियो देखिए, उसमें सारा डिटेल दिया हुआ हूँ। तो आपको ये फोन कैसा लगा कमेंट में जरूर। वहीं दोस्तों एक बात बताना भूल गया कि ये फोन पहला बन जाता है इंडिया में आज के डेट में जिसमें मी डायलर देखने को मिलेगा। इस तरह की कुछ अपडेट है। वैसे मी डायलर आपको अगर चाहिए तो हमें फॉलो कर लीजिए और हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। बहुत सारी APK वगैरह देते रहते हैं वीडियो बनने से पहले, तो आइए फॉलो करिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। चलिए बात करते हैं Realme की। Realme का C55 और Realme का 10T ये जो है 21 मार्च को लॉन्च होने वाला है। इस तरह की कुछ अपडेट निकल के आ रही है, आपको जो भी लगता है जरूर बताइए। वही बात करते हैं Realme का C33, ये यूनिसॉक प्रोसेसर के साथ 9999 में इंडिया में लॉन्च हो चुका है। 50+2 का रियर कैमरा, 5 का सेल्फी, 5000 mAh की बैटरी, 18 वाट का फास्ट चार्जिंग और IPS पैनल दिया गया 90Hz के साथ। लेना चाहेंगे ये फोन? वैसे सी सीरीज कुछ अच्छा तो करता है नहीं, आपको जो भी लगता है जरूर बताइए कमेंट में। चलिए बात करते हैं ROG फोन 7 Geekbench पर लिस्ट हो गया 8 Gen 2 के साथ। वही बात करते हैं Nothing का Air 2, फर्स्ट लुक देख सकते हैं जो कुछ इस तरह का है। कैसा लगा ये आपको Air 2 कमेंट में जरूर। तो मैंने आपसे पूछा था स्टार्टिंग में कि कौन सा स्मार्टफोन है जो दुनिया का सबसे पहला है, तो वो जो कंपनी है IBM ने बनाया था 1994 में, साइबर नाम का इस तरह की कुछ अपडेट है जिसमें हम कॉल वगैरह भी कर सकते थे, मैसेज वगैरह भी कर सकते थे और दूसरे चीज़ भी है वो भी कर सकते थे। ग्रीन कलर का डिस्प्ले था, जो टच डिस्प्ले था, इस तरह का कुछ अपडेट है। आपको क्या लगता है कौन सा कंपनी जो है पहला बनाया, इसके बाद बनाया होगा पहला स्मार्टफोन कमेंट में। बात करते हैं आईकू का, आईकू न्यू 8, ये जो फ़ोन है आने वाला है बहुत ही जल्दी। डिजिटल चैट स्टेशन ने बताया इसकी स्पेसिफिकेशन, डायमेंसिटी 900+ वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो एक जबरदस्त प्रोसेसर है, आपको और हमें दोनों को पता है। आपको क्या लगता है इसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए कमेंट में जरूर। चलिए बात करते हैं सैमसंग की। सैमसंग ऐसा बोल रहा है कि हम 3nm या 4nm टेक्नोलॉजी पे एक नया चिप लेके आएंगे जो SD मतलब स्नैपड्रैगन से ज्यादा फास्ट होगा। इस तरह की कुछ अपडेट, आपको क्या लगता है ये पॉसिबल है तो कमेंट में जरूर। तो दोस्तों टेक न्यूज होती है खत्म। बात करते हैं डील्स और ऑफर की। तो फ्लिपकार्ट में मिल रहा है iPhone 13 38,999 में, जाके लीजिए। वहीं फायर वोल्ड का एक स्मार्ट वॉच है जिसका प्राइस 10,000 रुपए है, वो मिल रहा है 2,000 रुपए में, तो जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई भी सवाल कमेंट में पूछो और आप लोग लाइक नहीं करते हैं, प्लीज लाइक करिए। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वैसे कल क्या सवाल लिया जाए कमेंट में जरूर बताइए। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।